beginning. Hello, good morning all of you. Once again, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लास्ट स्लाइड में हमने सीखा था अष्टांग योग के आठ प्रकारों में से पांच बहिरंग थे, तीन आंतरिक और तीनों में से हमने सीखा था धारणा। अब नेक्स्ट टॉपिक है ध्यान। अगला कौन सा है? ध्यान। अष्टांग योग का आंतरिक योग का दूसरा पॉइंट। धारणा का शब्द जो है उसका हमने अर्थ समझा था एकाग्रता। ठीक उसी प्रकार ध्यान शब्द का अर्थ भी एकाग्र होता है। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि धारणा शब्द का भी अर्थ एकाग्र, ध्यान शब्द का भी अर्थ एकाग्र, तो दोनों में अंतर क्या है? बताओ अंतर। ध्यान से एक ही विषय पर बहुत सारे विचार आना, उसे कहते हैं धारणा। ठीक है, बहुत सारे विचार जब एक साथ में आते हैं उसे कहते हैं धारणा। ध्यान जब आपके सारे विचार एक ही विषय को लेकर, एक ही टॉपिक को लेकर सोचने लगे, उसी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित कर दे, उसे कहते हैं ध्यान। क्या कहते हैं? ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान, ध्यान के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। एक सगुण ध्यान, दूसरा निर्गुण ध्यान। तो ये विषय बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, सगुण और निर्गुण। समझ लेते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है। उदाहरण के तौर पर आंखों से दिखाई देने वाली सारी वस्तुएं उस सगुण के अंतर्गत आती है। जैसे दूसरे तरह से समझे, आप घर में रोज पूजा पाठ करते होंगे, रोज सुबह शाम नहा धोकर अगरबत्ती दिया आरती ये सब क्या है? ये सगुण भक्ति। निर्गुण आप पूजा पाठ अगरबत्ती नहीं करें, आप बस ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं और उस परम तत्व शक्तिशाली का ध्यान करें, उसे कहते हैं निर्गुण ध्यान। समझ में आया? लेकिन करेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे? तो देखो, सगुण ध्यान के जो प्रकार है उसमें सबसे पहला आता है पादस्थ ध्यान। अर्थात आप एक शांत जगह पर बैठ जाइए, सामने आपके एक भगवान की मूर्ति हो या तस्वीर है देवी देवताओं की, उनके चरणों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें, इसे कहते हैं पादस्थ ध्यान। दूसरा है स्वरूप रूपस्थ ध्यान। अर्थात जो सामने मूर्ति है, तस्वीर है, उसको सिर से लेकर पांव तक उनकी सौंदर्य की, उस पूरे भगवान की मूर्ति पर आपका ध्यान केंद्रित है, उसे कहते हैं रूपस्थ ध्यान, जिसे देखकर मन और प्रसन्न होता हो। तीसरा नखाग्र ध्यान, थोड़ा अलग है। ये दोनों हाथ के अंगूठे देख रहे हैं, अगर मैं ऐसे रखूं तो दोनों हाथ के अंगूठे के नाखून दिखाई देंगे। ठीक इसी प्रकार आंखों के एकदम सामने दोनों अंगूठे के जो नाखून है उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना, इसे कहते हैं नखाग्र ध्यान। आया सुनते? बड़ा सरल है, सुंदर है, जब घर में प्रैक्टिस करोगे और समझ आएगा, मजा भी आएगा। ये सभी सगुण प्रकार के प्रकार हैं।
सर्वोपरि निर्गुण ध्यान के भी प्रकार समझते हैं। इसमें क्या है, नासाग्रहण, इसके अंदर आंखें बंद करके ध्यान किया जाता है। पहले शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं, फिर कहां मन को एकाग्रचित करना है वो देखते हैं। नासाग्र अर्थात नाक जो है इसका अग्र भाग, इस जगह पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन आंखें खोल के नहीं, आंखें बंद करके यहां पर ध्यान केंद्रित करना है, इसे कहते हैं नासाग्र। फिर भ्रुकुटी, आप मालूम भ्रुकुटी शरीर में कहां आती है, हम जहां तिलक लगाते हैं उस जगह को कहते हैं भ्रुकुटी। क्या कहते हैं, भ्रुकुटी, जहां माताएं बहने सभी तिलक लगाती है, टीकी लगाती है, बिंदी लगाती है, उस जगह को क्या कहते हैं, भ्रुकुटी। अर्थात आंखें बंद करके और इस जगह पर ध्यान केंद्रित करना, उसे कहते हैं भ्रुकुटी ध्यान। तीसरा कौन सा प्रकार है, मंत्र जाप, अर्थात ध्यानस्थ स्थिति में बैठकर किसी एक मंत्र का निरंतर आंखें बंद करके जाप करना। कोई भी मंत्र हो सकता है, राम नाम हो सकता है, ओम नमः शिवाय हो सकता है, जय श्री कृष्ण हो सकता है, कोई भी मंत्र अपने अपने इष्ट देवता का नाम लेकर आंखें बंद कर निरंतर मंत्र जाप करना, ये भी एक ध्यान का प्रकार है। चौथा अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट श्वास प्रश्वास, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, बस ये सांस लेना और छोड़ना, इसी को कहते हैं श्वास प्रश्वास। जब सांस ली श्वास, सांस छोड़ी प्रश्वास, लेकिन ध्यान में बैठकर हर एक सांस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। सांस अंदर गई बाहर, सांस अंदर गई बाहर, अंदर गई बाहर, एक भी सांस हमारे इजाजत के बगैर न अंदर जानी चाहिए न बाहर, हर सांस का हमें ध्यान होना चाहिए, इसे कहते हैं